हेलो एवरीवन, होप यू ऑल ऑर्डिंग गुड। सो जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टूडेंट्स इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस इन कनाडा 2023 के अंदर। सो जी, अगर जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ आपको पता है 20 घंटे अलाउड होते हैं एक हफ्ते में काम करने के लिए, और एक महीने में हो गए 80 घंटे। सो मिनिमम वेज रेट है जो अपना यहाँ पे वो है $16, $16-17। तो मैं बात करूँ 20 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हो गए आपके $320 एक हफ्ते के। 320 इंटू 4 करेंगे तो हो गए $1280, ठीक है, ऑलमोस्ट $1300, ठीक है। $1300 है कमाई लीगली सिन के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो 1280 में से 500-600 रेंट चल रहा है आजकल, तो 600 रेंट निकाल लो विद यूटिलिटीज़, $680 बचे। 680 में से आप अपना $200 से $250 ग्रोसरी के काट लो, बचे $430। उसमें से आप अपना प्रेस्टो कार्ड 200 से 250 उसका मान के चलो, 250 उसके काट लिए, बचे $180, ठीक है, 180 आपकी सेविंग बची। तो जी, एज अ स्टूडेंट लीगली अगर आप सिन के ऊपर काम करते हो तो आप $180 कमाएंगे हर महीने में, ठीक है। और तो और जो खर्चे हैं, खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट था तो मैं खर्चे थोड़े कम करता था, अब खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। गाड़ी ली है, गाड़ी कैश वाली ली थी आपको पता ही है, तो गाड़ी की इंश्योरेंस है $250, बाकी रेंट है $600, और गैस एक्सपेंसेस हो गए गाड़ी के, बाकी अपना खाना पीने का हो गया है ना, तो महीने का आराम से वर्क परमिट के ऊपर $1500 से $1600 खर्चा आ ही जाता है। बाकी मैं बात करूँ अगर कैश की, तो कैश का काम के लिए काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं ना कि कैश के ऊपर काम करें तो क्या हिसाब किताब है, तो कैश के ऊपर काम करना इलीगल है। बट हाँ, जो लोग करते हैं वो कभी भी किसी को मत बताना, जो करते हो चुपचाप अपना करते रहो। बट हाँ, काम कैश के ऊपर इलीगल है, तो मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप कैश के ऊपर काम करो। बट हाँ, अगर कर रहे हो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कैश के ऊपर आप जितना मर्जी कमा सकते हो, कोई इसकी लिमिट ही नहीं है ना। और बाकी जो फीसेस वगैरह है, फीस वगैरह अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको ड्रॉप मिलता है, ऑफिशियल ड्रॉप, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 महीने का। 4 महीने में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, और उस टाइम के दौरान आप $4,000 से $5,000 आराम से आप सेव कर सकते हो ऑफिशियल ड्रॉप में, ठीक है। डबल शिफ्टें भी लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें, है ना। बट हाँ, वो टाइम ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस टाइम में अपनी फीसेस निकालते हैं, ठीक है। और तो और मैं आपको बताऊं, जो आपकी GIC आती है इंडिया से, है ना, $10,000, कोशिश करो कि इसको सेव करने की, है ना। आते यहाँ पे आईफोन वगैरह मत लो, है ना, लोग यहाँ पे आते गाड़ियाँ ले लेते हैं, है ना, और गाड़ी वगैरह मत लो। जब तक स्टूडेंट लाइफ है आपकी, कोशिश करो बस से ही आपका काम चले। बाकी काम वगैरह ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा कैश के ऊपर काम मत करो, बट हाँ फिर भी लोग करते हैं, है ना, तो अगर कर रहे हो तो अपना करते रहो, बट किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फीसेस वगैरह भी मैनेज हो जाती हैं, अगर आप ड्रॉप में अच्छे मेहनत करके अच्छे पैसे कमा सकते हो तो फीसेस वगैरह भी आराम से मैनेज हो जाती हैं। बाकी एक्सपेंसेस वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से। मैं 2021 में आया था, उस टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी कम थे, बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, है ना। दूध का रेट हो गया, बाकी अपना बिस्किट्स हो गया, अपना डेली जो ग्रोसरी आइटम्स हैं सारी चीज़ें बिल्कुल महंगी हो गई हैं। अंडे वगैरह सारे मुश्किल से पहले $650-$760 का होता था सामान, जो अभी वो $10-$11 का, ठीक है, तो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। बट जो इनकम है वो अभी भी वही है, $16-$17-$18 मिनिमम वेज रेट जो हमको देते हैं ना। सो जो भी आ रहा है ना 2024 में, वो अपना थोड़ा माइंडसेट बना के आओ, थोड़ा प्लान करके आओ कैसे करके क्या करना है आपने, है ना, कैसे अपनी फीसेस वगैरह मैनेज करनी है। बाकी जो नॉर्मल अपने एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट लाइफ में, कोशिश करो कि कम से कम करो। जैसे वर्क परमिट के ऊपर भी आ गया तो बाहर भी खा पी आते हैं जाके, है ना। स्टूडेंट लाइफ में टिफ़िन वगैरह लगा रखा था, टिफ़िन वगैरह का खाना ख़राब ही होता है, कोशिश करो कि अपना खाना बनाना सीख के आओ, जिससे कि आपके पैसे बच सकें। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो आलू का पराठा या छोले भटूरे ऑर्डर किए तो $15-$16 के आप ऑर्डर करते हो यहाँ पे, ठीक है, एक टाइम के, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मामला है। सो कोशिश यही करो कि अपना खाना बनाना सीख के आओ, और यहाँ पे आके आप ग्रोसरी के पैसे बचा सकते हो। और जिन्होंने जिनको ग्रोसरी बनानी नहीं आती है वो अपना टिफ़िन लगा लो, $200-$250 का टिफ़िन लग जाता है बढ़िया, ठीक है। तो यही हिसाब किताब है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में जितने कम से कम खर्चे हो सके, कम से कम खर्चे करो, है ना, और सेविंग्स वगैरह करो। जैसे कि मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले एक पिगी बैंक लेके आया हूँ गुल्लक टाइप की, तो उसमें हर महीने $200-$300-$400 जितनी भी सेविंग होती है उसमें डाल देता हूँ। अब जब कभी भी इंडिया वगैरह जाएंगे तो उसको खोल के देखेंगे तो थोड़ी बहुत अपनी सेविंग हो जाएगी हाथ में, है ना, इंडिया जाने के लिए, घूमने के लिए। सो कोशिश यही करो कि अपनी सेविंग वगैरह करो, क्योंकि मेरे को तो जैसे मैं तो
अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता था दूसरे में, बट पैसे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। सो बेस्ट चीज़ यही है कि एक पिगी बैंक ले आओ, डॉलरामा से मिल जाता है 2-3 डॉलर का, उसमें अपनी सेविंग्स वगैरह करते रहो, जैसे जिसने कोई आगे फीस निकालनी है, जो भी कुछ करना है ना, सो वो चीज़ अच्छी है। बाकी इनकम और एक्सपेंसेस यही है ना जो भी हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।